जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आशापुरी पोलिंग बूथ से लापता हुए चुनाव ड्यूटी को गए कर्मी संजीव कुमार का एक महीने बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। सोमवार को तीसरी बार उपायुक्त कांगड़ा से मिलने पहुंची संजीव की पत्नी बबीता देवी ने मांग की कि संजीव के साथ पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। पूर्व प्रधान पृथ्वी सिंह ने कहा कि आज तीसरी बार उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एक महीने से लापता संजीव का कोई सुराग नहीं लग पाया है। संजीव का एक माह से पता ना चलने के चलते संजीव की पत्नी और ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू करने पहुंचे थे। उपायुक्त के ना होने पर बबीता ने एडीसी के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर एडीसी ने एक सप्ताह के भीतर इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिस पर बबीता और ग्रामीण वापस लौट गए। बबीता का कहना है कि एक सप्ताह में संजीव के मामले में यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल के साथ चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। तो किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या डिमांड जो है की गई? हमसे यही डिमांड है कि मतलब जो साथ के कर्मचारी उनसे पूछताछ की जाए सख्ती से। अगर मतलब उनसे कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम एक हफ्ते बाद भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आज भी वो हड़ताल के लिए आए थे? हाँ जी। आश्वासन किस तरह का मिला है? उन्होंने बोला कि एक हफ्ते का टाइम दिया अभी हमें, कि मतलब एक हफ्ते के बाद आ जाना अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो। एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं होती है तो अगले क्या कदम रहेगा? तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आपका नाम? बबीता। हम डीसी कांगड़ा के पास आए थे क्योंकि संजीव कुमार को एक हफ्ता हो गया लापता हुए। एक महीना हो गया तो आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। हमारी मांग है कि उनके साथ जो भी कर्मचारी थे ड्यूटी पर उनको पूरी पार्टी को रेस्ट किया जाए और रिमांड पर लिया जाए ताकि वो सारा सच सारा सच बताएंगे। हमें शक है कि भाई पुलिस स्टेशन में स्कूल में ही कुछ हुआ, रात को रजाइयाँ जली है, वो क्या कारण था? अगर वो बीमार हो गया था तो उसको एम्बुलेंस लेकर अस्पताल ले जाना चाहिए था। अगर उसने हुड़दंग मचाया था तो उसको रेस्ट करना चाहिए था, पुलिस थाने भेजना चाहिए था। उसके कपड़े जो है 1 किलोमीटर दूर क्यों पड़े? उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ बैटरी होने 40% बैटरी होने के बावजूद स्विच ऑफ बैग में किसने डाला? ये सारा हमें डाउटफुल बातें सारी। आप किससे मिले यहाँ पे? एडीसी साहब से मिले मैडम। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि एक हफ्ता रुक जाओ, आज हम आए थे भूख हड़ताल करने, पर आश्वासन मिला कि एक हफ्ता रुक जाओ, एक हफ्ते के बाद आप भूख हड़ताल कर देना। 7 दिन में भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम फिर भूख हड़ताल कर देंगे। भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। सर आपका नाम? पृथ्वी सिंह, एक्स प्रधान होमकर। सीडी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट।